मॉर्निंग हुई का तो 9 बजे तो आए 10 बज गए 14 फरवरी को ज्यादा भीड़ हो गई पूरी सिंधिया डायनेस्टी की रोस्टिंग कर दी इसने। ओ भाई ये कैसा पेड़ है। अरे वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का एक वीडियो मॉर्निंग वॉक डेस्टिनेशन है और आज मेरे साथ है मेरा दोस्त आयुष्मान। आयुष्मान भाई हाय कर दो। ठीक है तो आयुष्मान भाई बताओ आज कहाँ जा रहे हैं अपन मॉर्निंग वॉक? आज कटोरा ताला में। कटोरा छतरी छतरी तो ये मेरे भाई ने सजेस्ट करा ये आइडिया कि कटोरा ताल के लिए मॉर्निंग वॉक चलते हैं। जैसे कि आज संडे है तो फिर आज जिम की छुट्टी थी तो मैंने कहा कि सुबह का टाइम ऐसे ही जाएगा तो कहीं चल लेते हैं। तो कटोरा ताल चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे कैसा रहेगा। और छतरी जैसे बोल रहा है वहाँ भी एक बार देखेंगे क्या है। तो चलो फिर चलते हैं। पहुँच गए हैं कटोरा ताल और ये रहा पूरा। बहुत अच्छा बना है ये लिटरली। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है ये। यही है कटोरा ताल। तो अभी तो हम काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि ज़्यादा सो लिया बस यही था। पर ठीक है तब भी लोग हैं यहाँ पे। आयुष्मान का घर पास है तो आयुष्मान तू यहाँ आता रहता है क्या? नहीं पहली बार आ रहा है। मैं तो 2 साल बाद आ रहा हूँ 3 साल बाद आ रहा हूँ। अरे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ पर इतना अच्छा नहीं था तब। अभी ज़्यादा अच्छा हो गया है। संडे अभी लोग बहुत हैं। हाँ और भी नहीं होते मतलब ठीक है ना यहाँ पे सही जगह है घूम सकता है इंसान। अब ठीक है उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है यहाँ पे। फिर ये पार्क है बच्चों के खेलने के लिए बेंचेस हैं बस व्यू देखो आप। बाकी कल ज़रूर भीड़ होने वाली है आयुष्मान। क्यों समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना 14 फरवरी को ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि बेंच है सीन भी है। अभी ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना इन पे कल निशान बनेंगे दिल के। अभी भी है। कहाँ पे? अरे यार ये लोग मानते नहीं है तो व्लॉगिंग ही करेंगे सब यार। There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long if I could lay down beside you I would when nothing really matters that's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon if I could lay down beside you इस कटोरा ताल में तो यही था जो कि एक मॉर्निंग वॉक डेस्टिनेशन थी और मैंने दिखाया आपको। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई आयुष्मान? राजा जी की छतरी चलेंगे जा कृष्ण जी की। तो मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है भले मैं ग्वालियर में रह रहा हूँ क्योंकि इस रीजन में ये रहता है। तो अब डायरेक्ट वहीं चलते हैं और वहाँ का ब्लॉग करते हैं और इसको फिर ब्लॉग को कम्प्लीट करते हैं। चलो चलते हैं। सो गाइस अंदर आ चुके हैं हम। इस गेट से अंदर आए और ये रहा टिकट। इधर जाने का 30 रुपये एक पर्सन का 2 लोगों का 60 रुपये। और वैसे एंट्री मिल गई है लेकिन यहाँ पे मोस्टली कार्ड भी लगता है क्योंकि ये एक बहुत फेमस मॉर्निंग वॉक डेस्टिनेशन है तो लोग यहाँ पे आना प्रेफर करते हैं तो कार्ड बनवा लेते हैं। बट आप कॉलेज में नहीं होने चाहिए क्योंकि हम दोनों को मना करते हैं। कार्ड नहीं बनेगा कुछ भी नहीं बनेगा कुछ भी नहीं। एक बार घूमने आना हो आओ निकलो यहाँ से। यहाँ पे मोस्टली ओल्ड एज लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं आना। काफ़ी पीस है और ठीक है अच्छी जगह है काफ़ी। तो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं तो देखते हैं क्या है यहाँ पे ऐसा। अरे उन 25 से ऊपर होते ना तो अपन बिना उसके भी घुस जाते पता नहीं चलता देख लिया। तो बिना बताए घुस जाते बहुत तेज हो रहा है। बहुत तेज हो रहा साल।
अच्छा और तूने पता कैमरा की क्यों पूछी? क्यों? बिना बताए उसके चलाया क्या? अरे इधर मैंने इसलिए पूछ ली क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब फोर्ट गया था ना, तो जब मैं फोर्ट से आया लौट के, तो मेरे से वो बोलता है कि है ना 600 रुपए कुछ ऐसे मांगने लगा क्योंकि तुमने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाना अलाउड फोर्ट के अंदर नहीं? सिनेमेटोग्राफी DSLR की लिखी है। अरे वो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं। तो DSLR थोड़ी ना अपने पास। पर तब भी वो फोन से वीडियो बनाई, लेकिन वो गार्ड बोल रहा था, लेकिन जो टिकट काउंटर वाला उसने कहा चलो ठीक है जाओ तुम, फिर चले गए। मैं मतलब इतने पैसे देता थोड़ी ना उसको। कितना बड़ा है यार? कितना बड़ा है? 4 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पूरा अंदर तक। ये क्या है, एक बार देख लेते हैं, फिर पूरा एक बार राउंड तो कंप्लीट करें, फिर लास्ट में कृष्ण जी का मंदिर देखते हैं। ठीक है, अब अंदर चले बिना नहाए? नहीं बिना नहाए नहीं जा सकते सर। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, कभी और चलेंगे, बाकी अंदर से देखने का ही है। हाँ मतलब कृष्ण, तो मेन राउंड चालू करते हैं, देखते हैं कि क्यों यहाँ पे 30 रुपए लगाए। ऐसे नहीं है, 2-3-4 किलोमीटर तो आराम से होगा। तो दे सकता हूँ, ये बेस्ट मॉर्निंग वॉक डेस्टिनेशन है सच में। मॉर्निंग हुई का तो 9 बजे तो आए, 10 बज गए। मॉर्निंग 9 नहीं बज रहे पागल, इतनी बेइज्जती मत कर है भाई। देख उन्होंने चालू हो गया। मैं इतना देख, तेरा घर दूर है, मैं वहां से निकला था 8 बजे। तो 8 बजे निकलना नहीं, मैं 7 बजे फोन लगा था, आधे घंटे में आना। अच्छा वाह, ऐसे थोड़ी ना होता है। 8:30 तक मैं पहुंचा यहाँ पे, और फिर उसके बाद वहाँ घूमे, तो अभी 9 बज ही रहा होगा यार। देखो ये साइन, ये साइन अगर आप ग्वालियर में आए ना, आपको इतना दिखेगा ये साइन, ये सन एंड स्नेक वाला। मतलब हम ग्वालियर फोर्ट गए, हम पैलेस गए, पैलेस में तो ऑफ कोर्स दिखना ही है, और हम इसके घर के भी उधर से आए, तो वो जो चर्च है उधर भी दिखेगा, और 2-4 जगह आपको दिखेगा। जगह अपने मतलब एक तो सन को पूज रहे हैं, अब बाकी स्नेक्स को पूजते हैं। कुछ भी हड़वे। हाँ ये लोग पूछते हैं, अच्छा पूरा चर्च है ना, आसपास स्नेक्स ही स्नेक्स है पूरे। इसका सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक चिन्ह था, एक एम्बलम है सिंधियास का। हाँ। तो अगर आपको ये कहीं भी सिंधिया के, जैसे मतलब सन दिखाता है ग्रोथ, जयविलास पैलेस है और अपना ये होटल है इनका, तो उनमें सब में एम्बलम होगा ये वाला, तो उससे पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी और ये जगह सिंधिया की अक्वायर्ड है, यही मान के चलो। बाकी बैठे लोग करते हैं थोड़ा फोटो, क्या रजवाड़े हैं यार, शेर पालना कोई बड़ी बात है। सही बात है भाई, बाकी ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि देखो ये आ पाएंगे, पर वह कटोरा ताल पे इतना कुछ था नहीं, तो मतलब अच्छी जगह तो वो भी है, पर एक मॉर्निंग वॉक डेस्टिनेशन में आप ऐसा कुछ नहीं देख सकते ना, कि फैसिनेटिंग सब थोड़ा सा देखा और फिर चल दिए वहाँ से। सीजन आ गया तो बता क्या मौसम चल रही है, फ्लोइंग? हाँ फ्लोइंग चल रही है। अगर आपने 8वीं कक्षा नहीं पढ़ी तो आपको नहीं पता होगा फ्लोइंग क्या होता है, पढ़ी है तो पता ही है। ओ भाई ये कैसा पेड़ है देखना, निकलनी पड़े। अबे ऐसा लग रहा है ना, फेसेस हैं ये, कैसा हॉन्टेड सा लग रहा है यार। पूरा हॉन्टेड है, कोई जगह जाने की थोड़ी ना। एक होता है नॉर्मल इंसान, एवरेज इंसान ढूंढता है कि मैं घर खरीदूं जहाँ बहुत अच्छी पॉश लोकेलिटी है। सही बात है, जबकि अमीर लोग लोकेलिटी खरीद लेते हैं पूरी। ओ, क्या बात है, इनके अंदर जा नहीं सकते क्या अपन, इन गार्डन एरिया के अंदर? मेरे ख्याल से जा सकते हैं, ये प्रॉपर दे रखी है देख ले। हाँ एंट्री दे रखी है, यहाँ पर टिकटॉक बन सकता है प्रॉपर। क्या बोला तूने? टिकटॉक बैन है। कूद रहा है। अरे वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्यों कूदना? ऑल मेड बाय हिंदू आर्किटेक्ट। क्या अच्छा आर्किटेक्चर है, विद ब्रिटिश मनी। अरे भाई ये तो खतरनाक, पूरी सिंधिया डायनेस्टी की रोस्टिंग कर दी इसने। और नहीं तो क्या। अरे ये क्या लिखा, फूल पत्ती तोड़ना मना है। फूल कहाँ गया मेरा? नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे हम, क्यों तोड़ेंगे? तोड़ा हो फसल के लिए। देखो चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसे मत डाला करो,
पौधा उखाड़ के ले जाऊंगा अगली बार, है ना। ये चैलेंजेस मत करा करो मेरे साथ, 30 रुपए के नाम पे मैं पूरा भूखे बना जाऊंगा, है ना। ये टंकी दिख रही है ना सिंटेक्स की, उठा के ले जाऊंगा, ठीक है। चलो तो मंदिर दिखाया मैंने आपको, ऐसा था और अंदर से नहीं देख पाए, देख ऐसा ऐसा नहीं है, अपन पहली बार आ रहे हैं, कई बार आते रहेंगे, आते रहेंगे। यहाँ पे कौन आ रहा, बोल देना फॉर द सेक ऑफ व्लॉग, आते रहेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है आते रहेंगे। कवर अप कर लिए, हमारा दो डेस्टिनेशन था, हाँ कटोरा ताल हमने देखा और ये देखा, इसके बाद कुछ नहीं, अब चलते हैं डायरेक्ट और मिलते हैं आपको बाहर की तरफ। चलो ठीक है, अभी मंदिर तो दिखा ले एक बार, कौन सा एक बार अच्छे से पूरा सिनेमैटिकली मंदिर दिखा। चलो हाँ, आपको सिनेमैटिकली मंदिर दिखा देता हूँ, पूरा शूट करके आता हूँ, उसके बाद फिर हम थोड़ा बैठते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। चलो ओके, ये था पूरा मॉर्निंग वॉक डेस्टिनेशन, दिखा दिया हम थोड़ा सा और घूमे अंदर, और काफ़ी अच्छा था, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया, और एक बार मैं ट्राई करूँगा इसको थोड़ा और मॉर्निंग में करने का, क्योंकि अभी थोड़ा धूप भी ज़्यादा हो गया था, तो हम काफ़ी जल्दी निकल गए, फिर अच्छा लगा, तो फिर चले फिर आयुष्मान भाई। चलो भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।